गुमला जिले के गुदरी थाना में माओवादियों द्वारा 27 वाहन को जलाने में शामिल एक और आरोपी संतोष असुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि झारखंड में सबसे अधिक माओवादियों द्वारा 27 वाहन को एक साथ जलाने की यह पहली और बड़ी घटना थी। इस चर्चित घटना को लेकर राज्य के पुलिस महकमा में हड़कंप मच गई था। यह घटना भाकपा माओवादियों ने लेवी नहीं देने के कारण अंजाम दिया था। इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी बुधराम उरांव को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। नक्सली बुधराम उरांव के बयान के आधार पर पुलिस ने संतोष असुर को गिरफ्तार किया है। बुधराम उरांव ने बताया कि संतोष असुर पूर्व से ही भाकपा माओवादियों के लिए काम कर रहा है और कई महत्वपूर्ण घटना को अंजाम देने के बाद माओवादियों का सहयोग किया था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने संतोष असुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक श्याम मंडल ने बताया कि यह पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। संतोष असुर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। इंस्पेक्टर श्री मंडल ने बताया कि संतोष असुर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। जनवरी को पुजाम टू माइंस है NKCPL का, जो हिंडालको के अंडर में काम करती है, खनन करती है, उसका जहाँ यार्ड है गाड़ी रखने का, खनन का मशीन सब जहाँ रखता है, वहाँ आग लगा के 28 गाड़ी को जला दिया गया था बुरी तरह। और माओवादी उग्रवादी थे करीब उसमें 20 के संख्या में। उसी में जो है एक पहले हम लोग एक गिरफ्तार करके भेजे थे, एक राशन डीलर था बुधेसर, तो बुधराम उरांव, तो उसी के बयान में आया था कि यहाँ का एक दो लड़का है डेविड एक और इसके ये संतोष असुर, ये दोनों जो है विस्फोटक ढोने का काम करता है और माओवादी के लाने ले जाने का काम करता है, उसके लिए रेकी करता है। लोकल जनमिलिशिया है वो लोग, जो उसके लिए वो माओवादी दस्ता के लिए काम करता है। तो हम लोग छानबीन अनुसंधान में ये बात और लोगों ने बताया, ग्रामीणों ने बताया और पुख्ता सबूत हम लोग आया, तो हम लोग जो संतोष असुर को गिरफ्तार करके आज जेल भेज रहे हैं। नहीं, कोई सामान नहीं बरामद हुआ है, लेकिन हम लोग को पूरा साक्ष्य मिला है इसके विरुद्ध में, इसलिए हम लोग इसको जेल भेज रहे हैं। इन्होंने अपनी बात स्वीकार की है, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और कई अहम सुराग हम लोग को दिया है, जो पुलिस के लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू।